गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ड्रोन बताने वाला हूँ, शायद ही आप लोगों ने इस तरह का ड्रोन कहीं पर भी देखा होगा। ये है दोस्तों एयर एंड ग्राउंड एक्सप्लोरर 2-in-1 ड्रोन। इसका मॉडल नंबर है X25 स्पेस एक्सप्लोरर। ये जो ड्रोन है ना भाई साहब, जमीन पर भी दौड़ सकता है एक RC कार की तरह और आसमान में भी उड़ सकता है एक ड्रोन की तरह। आज की वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। ये जो ड्रोन है ना भाई, देखो इस तरह का दिखाई देता है, जमीन पर तो भाई एकदम गजब तरीके से चल जाता है। चलो दोस्तों फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, इसका प्राइस जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर आपको एक बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस भी वहां पर आपको दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका बाय लिंक दे दिया है। बॉक्स के पीछे मैं आपको दिखा देता हूं इस ड्रोन के क्या क्या मेन फीचर्स है, उसके बाद फटाफट से इसको ओपन करके इसकी क्वालिटी वगैरह भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद बाहर जाकर इसको फ्लाई कराकर भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों फटाफट से बॉक्स को मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं फटाक से। ये देखो मैंने बॉक्स ओपन कर दिया है। फटाफट से इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं सारी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। सबसे ऊपर अपने को मिलता है इसका रिमोट। रिमोट का साइज देखो यार, काफी ज्यादा बड़ा है और इसके जो जॉयस्टिक्स है बहुत ही ज्यादा मस्त है, एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहां पे दो ट्रिगर्स अपने को मिल जाते हैं। 2.4 GHz का रिमोट है, यहां से अपन इस रिमोट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही अपन ऑन करते हैं यहां पे ऊपर एक लाइट भी इसके अंदर ब्लिंक होने लगती है। पीछे की तरफ अपने को डालनी पड़ती है 3 AA बैटरीज। और क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें एक बार देख लेते हैं फटाफट से। यहां पे इसकी बैटरी है, बैटरी काफी बड़े साइज की लग रही है। एक बार देख लेते हैं कितने mAh की बैटरी इसके अंदर अपने को मिल जाती है। और इसके साथ अपने को कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं और एक स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाता है। ये जो बैटरी है 750 mAh की लाइपो बैटरी इन लोगों ने दे रखा है। इसके अंदर अपने को एक यूजर गाइड भी मिल जाती है। यूजर गाइड पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो ड्रोन है ना, नॉर्मल ड्रोन है ना भाई, ये एक 2-in-1 ड्रोन है, इसको जरूर से पढ़ना चाहिए इसको उड़ाते समय। तो फटाफट से अपने ड्रोन को यहां से मैं निकाल लेता हूं, देखते हैं यार इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। बॉक्स के ऊपर से तो भाई काफी ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है ड्रोन। ये लो दोस्तों निकल चुका है अपना ड्रोन बॉक्स के अंदर से बाहर। यहां से निकाल लेते हैं ड्रोन को। अच्छा तो क्वालिटी काफी ज्यादा सही लग रही है यार, काफी ज्यादा टफ मटेरियल यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। प्रोपेलर्स थोड़े से मेरे को हार्ड लग रहे हैं यार, अगर ये दीवार से टकराएंगे तो भाई पक्का प्रोपेलर टूट जाएंगे। यहां पे दो ब्लैक प्रोपेलर है, दो व्हाइट प्रोपेलर है, इस वजह से इसका लुक जो है ना भाई बहुत ही ज्यादा मस्त हो जाता है। पूरा का पूरा इसका जो थीम है ब्लैक एंड व्हाइट पे डिजाइन किया हुआ है। यहां पे इसका मॉडल नंबर X25 बोलकर। इसके ये जो व्हील्स है ना यार, इसके ऊपर रबर नहीं लगाया गया, यहां पे देख सकते हो ये हल्का वाला स्टायरोफोम इन लोगों ने लगा रखा है ताकि इसकी ग्रिप जो है ना भाई रोड पे चलाते समय सही तरीके से बन सके और इसका वेट भी कम से कम रह सके। प्रोपेलर्स ठीक ठाक लग रहे हैं, काफी ज्यादा बड़े साइज के प्रोपेलर है। नीचे यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर अपन चाहे तो भाई बड़ी वाली बैटरी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अपने को दो लाइट्स मिल जाते हैं, सामने की तरफ ग्रीन लाइट है, पीछे की तरफ रेड लाइट है। यहाँ पे कैमरा जैसा कुछ डिजाइन दिया हुआ है। अच्छा तो इसके अंदर एक और मॉडल भी आ जाता है, उसके अंदर यहाँ पे कैमरा लग के आता है, पर इसके अंदर जो है ना भाई कैमरा नहीं दिया हुआ है। ये आ गई दोस्तों अपनी एक सुपर RC कार। इसके साथ मैं रोड पर इसकी फाइट कराने वाला हूँ। दोनों का साइज देख सकते हो, दोनों में से अपनी RC कार इससे काफी ज्यादा बड़ी है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गाइस ये कौन सी कार है, बुगाटी, लंबोर्गिनी या फिर फरारी। नीचे कमेंट करो फटाफट से अभी कभी। तो ड्रोन भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा दोस्तों अपना ड्रोन। ये ड्रोन भाई इसके मुकाबले में काफी ज्यादा सही लग रहा है मेरे को। इसके प्रोपेलर्स मैं आपको ओपन करके बता देता हूं। ये पूरी तरीके से एक फोल्डेबल ड्रोन है, जैसे कि अभी देख सकते हो इसका साइज अभी अपने कार वाले ड्रोन से काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका है। आज काफी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों, इसकी फाइट इससे कराने वाले हैं अपन और इसकी फाइट इससे कराने वाले हैं। चलो अभी चलते हैं बाहर फटाफट से भाई, देखेंगे आज इन दोनों को अपना ये 2-in-1 ड्रोन हरा पाता है या नहीं। चलो दोस्तों लेट्स गो। ओके दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर। यहां पे मैंने ड्रोन को रख दिया है। ड्रोन का लुक एक बार देखो यार, क्या ही गजब का दिख रहा है। काफी ज्यादा एक RC कार से मिलता जुलता दिख रहा है अपना ड्रोन। फटाफट से इसको रोड पे एक बार चला के देख लेते हैं। इसको चलाने के लिए अपने को राइट वाला जॉयस्टिक यूज करना होता है रिमोट के अंदर। देखो यार अपन जिस तरफ जॉयस्टिक कर रहे हैं उसी तरफ अपना जो ड्रोन है ना भाई एक RC कार की तरह चले जा रहा है रोड पर। यहां पे इसकी एक बार टॉप स्पीड भी चला के देख लेते हैं कितनी स्पीड से चल पाता है। भाई साहब मेरे को लग रहा है 20 से 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अभी चलाते चलाते इसको फ्लाई कराते हैं। ये देखो यार, ओ भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है यार, ये चलते चलते इस तरह से फ्लाई कर सकता है। भाई काफी ज्यादा कमाल का ड्रोन है, स्पीड भी इसकी काफी ज्यादा दी गई है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक और बार स्लो मोशन में दिखाता हूँ। अभी इसके सामने वाले जो टायर्स है ना यार नीचे की तरफ है। अभी देखो भाई साहब ये किस तरह से ऊपर की तरफ फ्लाई करने लगा है, बहुत ज्यादा मजा आता है गाइस इसको उड़ाने में। अभी इस RC कार को एक बार चला के मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके गाइस ये जो RC कार है कितनी स्पीड से दौड़ सकती है। इसकी अपन रेस कराने
वाले इस ड्रोन के साथ। देखते हैं यार ये जो ड्रोन है अपने आरसी कार को हरा पाता है नहीं, दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया। चलो दोस्तों यहाँ पे दोनों के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं भाई साहब यहाँ पे कौन जीतता है। ये देखो यार अपनी कार काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है ड्रोन के मुकाबले में। ड्रोन यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है कार को पीछे करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो भाई कार भी अपनी बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। एक काम करते हैं ड्रोन के अंदर अभी इसके प्रोपेलर ऑन करते हैं। ये देखो भाई साहब ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने इसके प्रोपेलर ऑन किया इसकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये कार के मुकाबले में कितनी ज्यादा दूर जा चुका है भाई साहब। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अपन इसके प्रोपेलर जैसे ही ऑन करते हैं। देखो इसको वापस से मैंने जमीन पे उतार दिया है, क्लियरली अपना ड्रोन जीत चुका है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे अपन एक गजब की चीज करने वाले हैं, देखो यार ड्रोन वर्सेस आरसी कार की टग ऑफ वॉर कराने वाले हैं भाई साहब। इससे पहले इस तरह की चीज किसी ने ट्राई नहीं की होगी। दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चालू हो चुका है, कार काफी ज्यादा सही तरीके से ड्रोन को खींच रही थी। अभी देखो यार ड्रोन ने अपने प्रोपेलर्स ऑन कर लिए, अभी ये कार को भाई पूरी तरीके से रोक रखा है। इसने ऊपर फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था पर कार थोड़ी सी पावरफुल ज्यादा निकली यार, देखो ड्रोन को इसने हरा दिया है भाई जमीन पर। ओके गाइस अभी अपन एकदम खुले मैदान में आ चुके हैं अपने ड्रोन को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्पीड और ये जो ड्रोन है कितनी ऊपर तक फ्लाई कर पाता है ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा भी चलने लगी है, ड्रोन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ड्रोन उतना ज्यादा स्टेबल लग नहीं रहा है मेरे को। अभी फटाफट से इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं यार, देखते हैं कितने स्पीड से फ्लाई कर पाता है। भाई साहब मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, एक बार इसकी स्पीड तो देखो यार कितना ज्यादा फटाक से ये आसमान में जा चुका है और यार बहुत ज्यादा ऊपर तक ये फ्लाई भी कर सकता है। तकरीबन 200 मीटर ऊपर तक अपन इसको लेके जा सकते हैं और डिस्टेंस की बात करूं तो यार देख सकते हो 150 मीटर दूर तक ये फ्लाई कर सकता है। ओके अभी इसके साथ अपने फोल्डेबल ड्रोन का मैं कंपैरिजन आपको करके बताने वाला हूं। यहां पे फोल्डेबल ड्रोन को भी उड़ा के देख लेते हैं यार, यहां पे बहुत ज्यादा हवा चल रही है। पर गाइस यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अपना जो फोल्डेबल ड्रोन है ना भाई एकदम गजब तरीके से उड़ता है, इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा स्टेबल तरीके से ये उड़ पाता है। एक बार इसको आसमान में लेके जाते हैं, देखते हैं भाई ये कितनी ऊपर तक फ्लाई कर पाता है। ये देखो यार इसकी स्पीड जो है ना अपने 2-in-1 ड्रोन से थोड़ी सी कम है, पर ये भी जो ड्रोन है तकरीबन 200 मीटर दूर तक फ्लाई कर सकता है, बहुत ज्यादा गजब का ड्रोन है। 360 डिग्री रोटेट करा के भाई फ्लिप वगैरह भी करा सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाता है अपना फोल्डेबल ड्रोन। ओके गाइस अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों ड्रोन्स के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, दोनों के बीच में एक रस्सी मैंने बांध दिया, यहाँ पे पता चलेगा कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रोन। चलो दोस्तों दोनों ड्रोन्स को मैंने ऑन कर दिया, अभी देखते हैं भाई कौन जीतता है दोनों में से। यहाँ पे अपने ब्लैक वाले ड्रोन ने यार व्हाइट वाले ड्रोन को थोड़ा सा खींचा था, पर व्हाइट वाला ड्रोन भी जो है ना भाई कुछ कम नहीं है, देख सकते हो यार इसको ये खींच के लेके जा रहा है। अरे भाई दोनों यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं भाई साहब, दोनों के बीच में सेम पावर है, दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये 2-in-1 ड्रोन कैसे लगा। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है बर्नाली शर्मा, संधू, बोनीर अहमद, ऋषभ, अथर, उदित सिंह, जिशान, सक्षम, ईश्वर, रोशन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।